हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी आत्मानंद के अंतर्गत यहाँ पर संविदा पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि 15 दिसंबर 2022 को मुंगेली जिला के वेबसाइट में यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। इसमें यहाँ पर मुंगेली जिला के अंतर्गत यहाँ पर स्वामी आत्मानंद विद्यालय स्कूल के अंतर्गत 3 स्कूल हैं यहाँ पर मुंगेली जिला में, जिसके अंतर्गत यहाँ पर रिक्त पदों पर भर्ती यहाँ पर जारी हुआ है। एक तो है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली हेतु, एक तो शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम विज्ञान शिक्षक गणित शिक्षक अंग्रेजी के लिए यहाँ पर अलग अलग माध्यम में अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम में, और दूसरा जो है महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी हेतु यहाँ पर सेम पद के लिए यहाँ पर, इसमें चौकीदार और प्रयोगशाला सहायक के लिए भी यहाँ पर पद है। और तीसरा जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल पथरिया हेतु यहाँ पर पद है, जो कि व्याख्याता इसमें और अलग अलग विषय में सहायक शिक्षक शिक्षक कला सहायक शिक्षक अलग अलग विषय में और चौकीदार के पद यहाँ पर रिक्त हैं। इसके लिए जो है इच्छुक उम्मीदवार 28 दिसंबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, कोई भी यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर या फिर डाक के माध्यम से आवेदन नहीं करना है। ये जो मुंगेली जिला का वेबसाइट है जिसमें यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पद कौन कौन से स्कूल में यहाँ पर है, क्या क्या इसके लिए योग्यता मांगा गया है, जो कि सभी आत्मानंद स्कूल में मांगा जाता है वही रहेगा सेम। यहाँ पर वेतन भी सभी सेम रहेगा, बस जिला यहाँ पर चेंज है, जो कि मैंने पिछले अपने जितने भी वीडियो हैं सभी में बता चुका हूँ। शिक्षक कला के लिए अंग्रेजी माध्यम में 1 अनारक्षित पद 1-1 पद सभी विषय में शिक्षक के लिए, हिंदी अंग्रेजी माध्यम और 1 जो है शिक्षक अंग्रेजी में हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर 1 पद है, सभी को 35,400 वेतन। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की उपाधि होना चाहिए और BED यहाँ पर होना अनिवार्य है और TET का परीक्षा भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब जो है अंग्रेजी माध्यम में जो है हिंदी अंग्रेजी शिक्षक जो कि हिंदी माध्यम के लिए, इसके लिए यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि होना चाहिए और TET परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं दूसरा स्कूल है यहाँ पर महंत जगन्नाथ यहाँ पर दूसरा स्कूल है, इसमें भी यहाँ पर पद सेम पद है आपका, इसमें 1 अलग पद है ग्रंथपाल का, इसके लिए यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है एवं होता है BLIB या फिर MLIB, ये भी आपको होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल के लिए वेतन आपको 24,000 आपको दिया जाएगा। सहायक शिक्षक के लिए आपको जो पद है इसके लिए 25,300 पद यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर DED या DL और TET परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो स्कूल है पथरिया हेतु, इसमें आपका व्याख्याता के पद खाली है, जिसके लिए 38,100 आपका वेतन मिलेगा। इसके लिए भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि और BED कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। व्याख्याता अलग विषय में भी है, यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पर सहायक शिक्षक के लिए भी पद यहाँ पर सेम रहेगा क्वालिफिकेशन। चौकीदार के लिए जो है आपका योग्यता 8वीं पास मांगा गया है, 15,600 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है, एक तो गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको 28 दिसंबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए गूगल फॉर्म के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा, एक तो लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा यहाँ पर, और ये जो 3 आत्मानंद स्कूल है इसके लिए जितने भी पद रिक्त हैं सभी को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जो कि सभी आत्मानंद स्कूल में जो लागू होते हैं वही इसमें भी लागू होगा। चयन प्रक्रिया मैं बता दिया हूँ, दिशा निर्देश उम्र भी सभी का है, तो इसको PDF डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अंतिम तिथि बता दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।